अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो मीरा रोड और भाईंदर से दोनों से कनेक्टिंग प्रॉपर एक लेवल पे हो, और जो मीरा रोड को भी कनेक्ट करता हो, भाईंदर को भी कनेक्ट करता हो, साथ ही साथ पूरे के पूरे हिंदू लोकैलिटी का पूरा ये एरिया हो, सामने आरबीके स्कूल हो, तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है दुर्गा एनक्लेव। अभी जो मैंने कुछ झलकियां दिखाया है आपको दुर्गा इनक्लेव का, इसके बाद चलते हैं देखते हैं इसका प्रॉपर ये प्रॉपर्टी किस टाइप का है। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग 0% ब्रोकरेज चार्ज पे काम करते हैं अपने बायर्स के लिए डेवलपर की ओर से। आइए देखते हैं डिटेल में ये प्रॉपर्टी। अभी दुर्गा इनक्लेव में 2-3 टाइप के फ्लैट है। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है, सबसे बड़ा 646 स्क्वायर फुट का है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, यानी हॉल है। इस तरफ ये लिविंग एरिया है जहाँ पे आप सोफा, सामने टीवी यूनिट्स बना सकते हैं, और इस तरफ इन्होंने डाइनिंग बहुत बड़ा दिया हुआ है। करीबन 8 से 10 चेयर का आप डाइनिंग डाल सकते हैं, या फिर डाइनिंग अगर पास में करें तो इधर लास्ट में इतना स्पेस है कि यहाँ पे अलग से आप एक मंदिर रख सकते हैं या फिर अलग से एक स्टूडियो टेबल लगा सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने वास्तु को भी काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखा है। आप देखें तो डाइनिंग के जस्ट सामने इन्होंने किचन बनाया हुआ है ताकि वॉशरूम सामने ना आए, तो वास्तु को भी इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है। और फ्लैट ये ईस्ट फेसिंग है, जो सबसे बड़ा वाला फ्लैट है। इसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, नीचे इसके शॉपिंग है यानी दुकानें हैं, जिसके वजह से बड़ा टेरेस यानी कि बड़ा बालकनी दिया हुआ है। ये आप देखें पूरा फ्लैट को ये बालकनी कनेक्ट कर रहा है, पूरा 2 BHK का। और इसके ऊपर आप देखें 2 से 2.5 फुट का बालकनी आपको हर एक फ्लैट में रहेगा। नीचे का अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूँ, इसके लिए बालकनी इसका बड़ा है। ये इसके बैक साइड का रोड है और सामने इस तरफ आरबीके स्कूल, इधर आपको खाड़ी का पूरा माउंटेन व्यू दिख रहा है। और अभी चलते हैं, ये इसका डाइनिंग एरिया, डाइनिंग के सामने किचन, किचन देखते हैं इसका। किचन में आपको मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, ये जो दिख रहा है एज इट इज आपको ये बना के देने वाले हैं। इसके बाहर आपको ड्राई एरिया मिलेगा वॉशिंग मशीन के लिए। आप देखें ऊपर का स्पेस, ये स्पेस आपको नीचे मिलेगा हर एक फ्लोर पे। विंडो के साइड से इधर फ्रिज का स्पेस, इधर गैस प्लेटफॉर्म, इधर सर्विस प्लेटफॉर्म। सर्विस प्लेटफॉर्म यानी वेजिटेबल वगैरह कटिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म को सर्विस प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो वॉशरूम दिया हुआ है स्क्वायर शेप में दिया हुआ है। एक बार मैं आपको, ये इसका कॉमन यानी गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं। ये आप देखें प्रॉपर स्क्वायर में दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। इस तरफ बेसिन रहेगा इसका, यहाँ पे इसका कमोड रहेगा, और इस तरफ बाथ एरिया रहेगा। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ। ये इसका कॉमन बेडरूम है, ये इसका मास्टर बेडरूम है। कॉमन बेडरूम भी आपको मेन, इसका जो विंडो है रोड के साइड का व्यू आपको मिल रहा है। छज्जा 2 से 3 फुट का आपको मिलेगा, यहाँ पे बालकनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज छज्जा बालकनी दोनों का सेम लेवल है। और ऊपर आपको फॉल सीलिंग LED बल्ब्स ये लगा के दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम, जो आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। यह कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन बेडरूम, यानी कॉमन बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम नहीं रहेगा। और ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे सामने ही स्क्वायर में वॉशरूम दिया हुआ है, ये आप देख लें। सामने कमोड और लेफ्ट हैंड साइड पे बाथ एरिया, उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको बेसिन दिया हुआ है। इसमें मास्टर बेडरूम का स्पेस बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13x9.5 का, 9.6x13 फुट का इसका बेडरूम दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा साइज है। और यहाँ पे भी आपको बालकनी मिलेगा,
अभी तो मैंने बोला फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी के हिसाब से आपको बड़ा बालकनी दिख रहा है। व्यू जो है इसका सारा ईस्ट साइड का व्यू है, यानी कि सनराइज साइड का व्यू है। अभी ये पीछे गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, इसलिए यहाँ पे कुछ काम चालू होएगा इन फ्यूचर। और अभी मैं आपको एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये देखें अंदर का पूरा फ्लैट का जो स्पेस है बिल्कुल प्रॉपर है। 15x9 का इसका हॉल दिया हुआ है। ये मैंने 2BHK दिखाया, इसमें दो टाइप का 2BHK है, एक टाइप का 1BHK है। आइए आगे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा आगे वाले फ्लैट में, उसको देखते हैं। अभी जो मैंने दिखाया आपको बड़ा 2BHK है, अब इसका उससे थोड़ा छोटा साइज है, 604 स्क्वायर फुट का, वो देखते हैं किस टाइप का है। एंट्री करते ही आप देखें इसमें भी लिविंग डाइनिंग है, बट थोड़े स्मॉल साइज में है। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ लिविंग। सेम बालकनी का यहाँ पे शॉपिंग है नीचे, उसके हिसाब से बड़ा बालकनी है। बट एक्चुअल जो आपको बालकनी मिलेगा वो आप देखें, ये 2.5 फुट के साइज़ का बालकनी आपको आएगा, 2.5 से 3 फुट का। विंडो के साइड से एक बार देखें तो ये पूरा व्यू बनता है आपका लिविंग डाइनिंग का। फॉल सीलिंग LED बल्ब्स ये आपको लगा के दे रहे हैं डेवलपर खुद। इसके बाद जब आप आगे आएँ तो इस तरफ किचन है, किचन में मॉड्यूलर किचन बना हुआ है, अपर कैबिनेट्स बने हुए हैं। स्टार्ट में आपको मॉड्यूलर किचन डेवलपर बना के देंगे। बाहर आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस मिलेगा यहाँ पे। ये म्यूनिसिपल ग्राउंड है सामने, यहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती रहती है, और सामने RBK स्कूल है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्रिज का स्पेस, और बाहर ड्राई बालकनी है जहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस है। विंडो के साइड से एक बार मैं पूरे किचन का व्यू देखें, काफ़ी स्पेसियस दिया हुआ है किचन इसमें, और बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने मार्बल का कलर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद वास्तु के हिसाब से देखें तो बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। किचन जहाँ से एंड होता है, किचन के जस्ट बाद दिया हुआ है आपको कॉमन वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं। यहाँ पे सारे प्लम्बिंग के लाइन दिए हुए हैं, जब आपको फ्लैट मिलेगा तो सारा फिनिश करके मिलेगा। और अभी मैं आपको कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। इसका कॉमन बेडरूम है, एक बार मास्टर बेडरूम है, चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम की लेंथ इतना प्रॉपर दिया हुआ है कि इसमें आप अगर एक बेड डालें तो पूरे चारों तरफ का स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा, 3 से 4 फुट का स्पेस मिलेगा। यहाँ पे भी बाहर आपको 2 फुट का बालकनी मिल रहा है, और बिल्कुल सामने रोड पे ही देखें तो सामने बस वगैरह रिक्शा की कनेक्टिविटी आपको अच्छा मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। ये मैंने कॉमन बेडरूम दिखाया है, ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी सेम आपको फॉल सीलिंग लाइट ये सब बना बनाया दे रहे हैं आपको। इस तरफ आपको 3 फुट की बालकनी है जो हर एक फ्लोर पे मिलेगा। फिलहाल तो हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं इसीलिए बड़ा है। एक बार मैं इस कॉर्नर से आपको दिखाता हूँ, इस तरफ वॉशरूम है इसका, और इतना प्रॉपर बेडरूम है कि एक बेड डाले तो आपको 4 से 5 फुट का जगह मिलेगा यहाँ पे। इस तरफ का इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। और अब मैं एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू कैसे बनता है। फिर मैंने आपको 2BHK बड़ा, 2BHK छोटा, अभी मैं 1BHK दिखाने जा रहा हूँ आपको दुर्गा इनक्लेव का। क्या टाइप में आप देख लें, ये इसका लिविंग डाइनिंग हॉल है, यानी कि स्क्वायर में इन्होंने बनाया हुआ है। फॉल सीलिंग LED बल्ब ये आपको देंगे, साथ ही साथ 2.5-3 फुट की इसकी बालकनी आएगी हर एक फ्लैट में। और इसके जब आप आगे चलते हैं, यहाँ आगे आने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है कॉमन वॉशरूम। इस तरफ मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, और वॉशरूम से आगे आएंगे तब आपका किचन आता है। किसी किसी फ्लैट में देखें किचन अगर वॉशरूम के सामने आता है तो वो वास्तु में मानने वाले लोगों के लिए नेगेटिव होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, वॉशरूम के बाद किचन दिया हुआ है। अच्छा, किचन में आपको
यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ मिलेगा, साथ ही साथ मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, एल टाइप में यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और एंड में आपको दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया, ये भी करीबन 2.5-3 फुट का, 3 फुट का आपको वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया दिया हुआ है। इसके बाद इस तरफ मास्टर बेडरूम, अभी चलता हूँ मैं मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है, आप चलते हैं देखते हैं। एंट्री करेंगे, सामने ही आपको इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, पहले बेसिन उसके बाद बाथ एरिया, और सामने कमोड दिया हुआ है। फिटिंग अभी पूरा किया नहीं है इन्होंने, बिकॉज फिटिंग ज़्यादा कर देते हैं ना तो लेबर लोग ख़राब कर देते हैं। तो जब आपको ये रेडी होके मिलेगा तो सारा फिटिंग रेडी होके मिलेगा फ्लैट, जब आपको हैंडओवर किया जाएगा तब। अभी मैं ऐसे प्रोजेक्ट में खड़ा हूँ जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो पूरा फिटिंग अभी रेडी हुआ नहीं है। आगे मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका किस टाइप का है। ये इसका पूरा बेडरूम है और इस तरफ दिया हुआ है वार्डरोब का स्पेस। ये आप देखें, यहाँ से करीबन 2.5 फुट का स्पेस है जहाँ से आपका वार्डरोब अंदर आ जाएगा। एक बार जब वार्डरोब अंदर आ जाता है ना, तो पूरा का पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। इधर आप बेड डालेंगे तो ये पूरा स्पेस आपको यूज़ में आएगा। वार्डरोब जब दीवार के बाहर आ जाता है तो बेडरूम उस लेवल पे पैक हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने वॉल के अंदर ही दे दिया है वार्डरोब, ये पूरा एरिया आपको फ्री हो जाएगा। नीचे इसमें छज्जा दिया हुआ है, आफ्टर ओसी आप इस छज्जे को कवर करके ऊपर ले सकते हैं और एज ए बालकनी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो दरवाजे के पीछे भी करीबन 1 फुट का आपको स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज कबर्ड बनाना हो तो आप बना सकते हैं। एक बार अंदर से फिर पूरे फ्लैट को मैं आपको शो कर रहा हूँ, देख लें। ये पूरा 1 BHK का हमने देखा है। अब इसका पैसेज देखते हैं क्या टाइप में इन्होंने पैसेज को डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसका पूरा पैसेज है, कलर बहुत ही ब्यूटीफुल यूज़ किया हुआ है इन्होंने, टाइल्स, इटालियन मार्बल्स, और इसमें पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। और एक फ्लोर पे 5 से 6 फ्लैट है। ये इसका स्टेयरकेस है, इसमें 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है, ये आप देख लें। इस तरफ आपको मिलेगा 2 हाई स्पीड लिफ्ट और ये इसका सेकंड स्टेयरकेस है। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders, with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बर्नवाल। अभी जो प्रॉपर्टी आपने देखा है दुर्गा एनक्लेव का, इसका मैं डिटेल की बात करूं आपको, तो ये बिल्कुल मीरा रोड और भाईंदर के बीच में बना हुआ है। वो देखें तो आपको बॉर्डर वाले रोड पे ही बन रहा है। ये पूरे लोकैलिटी आसपास में पूरा हिंदू लोकैलिटी है, बगल में स्कूल है, बगल में LR तिवारी कॉलेज है। अब इस प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी करीबन 15 से 20 साल पुरानी कंपनी है और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है जिसमें दुर्गा रेसिडेंसी भाईंदर, राम वाटिका भाईंदर, ऐसा इन्होंने कई अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे डेवलप किया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, 0.75 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है पूरा इसका। 19 स्टोरी टावर है, 19 माले का, एक विंग की पूरी ये सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। एम्यूनिटीज जो भी इसमें है सारे रूफटॉप पे है और कार पार्किंग की जो इसमें प्रोविजन किया हुआ है, इसी टावर से लग के एक टावर रहेगा जो पूरे रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा। आपको कार अंदर लेके जाना है उस टावर में, ऑटोमेटिकली कार आप छोड़ देंगे, आप बाहर आ जाएंगे और बाहर से आप उसके एप्लीकेशन से या फिर उसके बोर्ड से ऑपरेट करेंगे, गाड़ी अपने आप ऊपर 19 माले तक पार्क होगी। इस कार पार्किंग टावर का जो कंसेप्ट है ये बहुत सेफ भी है और बहुत चल भी रहा है आज के मार्केट में। रेजिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 1st फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर पे बैक साइड में पूरा इसका ओपन रहेगा और फ्रंट साइड पे पूरा इसका शॉपिंग एरिया रहेगा। इसका अगर आप रेरा के वेबसाइट पे इस प्रोजेक्ट रिलेटेड देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है
22467। इस हमारे नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसका डिटेल है, क्या पासिंग मिला हुआ है, लैंड का क्लियरेंस क्या है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2025 है, बट डेवलपर आपको मार्च 2025 में ही दे देंगे और बिफोर रेरा ही आपको ये 2 से 3 महीना पहले पोजीशन दे देंगे। यहाँ से व्यू की बात करूँ, पीछे यानी देखें ईस्ट के साइड आपको मिल जाता है क्रिक का व्यू, साउथ के साइड पूरा आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू, और वेस्ट के साइड सिटी व्यू मिलता है, नॉर्थ के साइड भी आपको पूरा खाड़ी और क्रिक का व्यू मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखें 19 माले का टावर है, आसपास में 7-7 माले की और 4-4 माले का टावर है, तो इसका एक बेनिफिट ये है कि हाई राइज टावर में जब आप घर लेते हैं तो चारों तरफ 360 ओपन व्यू आपको मिल जाता है। अभी का जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो 81% ड्यू है, 20 स्लैब इसका कंप्लीटेड हो चुका है, और ये इसका QR कोड है महारेरा का, इसको भी मोबाइल से स्कैन करके आप देख सकते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट का डिटेल है शॉर्टकट में। सारे बैंकों से आपको इस प्रोजेक्ट पे लोन हो जाएगा, जहां पे भी आपका सर्विस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, कहीं से भी आप लोन ले सकते हैं। थोड़ी कनेक्टिविटी समझ लेते हैं, फिर मैं आता हूं इसके कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस पे। इसमें आपको एमिनिटीज ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ये आपको रूफटॉप पे मिलेगा, ऊपर गार्डन टाइप का ये डेवलप करके देंगे। कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं, 10 से 15 मिनट के अंदर आप रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यहां से आरवी के ग्लोबल स्कूल बिल्कुल बिल्डिंग से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बिल्डिंग के नीचे ही आपको रिक्शा, बस वगैरह की सुविधाएं इजिली मिल जाएगी। यहां से 10 से 15 मिनट की दूरी पे आपको मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, पीवीआर सिनेमा, ये सब आप 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। डी मार्ट, स्मार्ट बाजार, ये भी आपको 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। LR तिवारी इंटरनेशनल कॉलेज, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, सेंट संजल स्कूल, सेवन स्क्वायर एकेडमी स्कूल, एनएल डालमिया स्कूल एंड कॉलेज, ये सब आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे ये आपको मिल जाता है। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट्स हैं इसमें, और अगर आप 1 BHK जोड़ी का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 1 BHK जोड़ी को जब आप ब्रेक कर देते हैं तो वो 3 BHK में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखें 1 BHK जोड़ी में 2 मास्टर बेडरूम तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ जो एक किचन होता है किचन को भी आप बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो 3 BHK में पूरा कन्वर्ट हो जाता है, और हॉल यानी लिविंग या डाइनिंग एरिया को आप बीच से वॉल निकाल के डबल कर देते हैं, तो बड़ा हॉल भी बन जाता है। 1 BHK का साइज 426 स्क्वायर फुट, 446 और 448 यानी कि 426, 446 एंड 448 स्क्वायर फुट, तीन साइज में इसके 1 BHK है, जिसकी प्राइस 56 to 64 लाख यानी 56 लाख से लेकर 64 लाख के बीच में है, और 2 BHK का कारपेट एरिया 604 और 646 यानी 604 एंड 646, ये दो साइज के इसके 2 BHK है, जिसकी प्राइस 80 से 92 लाख के बीच में है यानी कि 80 to 92 लाख के बीच में। एक्स्ट्रा आप पार्किंग लेना चाहें तो 7 लाख का पार्किंग है, अगर आप एक या दो जो भी पार्किंग आप अफोर्ड कर सकें वो आप ले सकते हैं। ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है ये एक टेंटेटिव प्राइस है, आप जब सामने बैठेंगे तो जैसा आपका पेमेंट कंडीशन होगा वैसा हम नेगोशिएट आपको करवा के देंगे। ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि क्या प्राइस तक होगा। ये प्राइस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, ये फ्लैट का बेस प्राइस है दोस्तों। ये तो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया है, इसके बाद का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्डर के सेल्स टेक्निकल प्रोसेस को बताया है कि किस तरह से वो अपना प्राइस डिजाइन करते हैं, कितना प्रॉफिट रेशियो रहता है, कितना उनका खुद का लागत रहता है, और क्या वो सेल्स के ऊपर खर्चा करते हैं, उसके पूरे मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बात किया है। ये पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, आपके लिए बेनिफिशियल है ही, आपके आने वाले जनरेशन के लिए, दोस्त फैमिली के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है कि बिल्डर की इंटरनल प्रोसेस को आप समझें, ताकि आपको नेगोशिएशन करने में आसान हो जाए दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा,
उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहाँ से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें, कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका OC आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार, 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना, तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है, बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा।
पड़ेगा, स्टाम्प पे पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो जाए, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और PLC के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं, ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़, 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़, 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा इंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है, वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है, हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है, कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग, तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं, आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि
वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करें अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है दुर्गा इनक्लेव का, उसका डिटेल इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट में हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। कभी भी हमारे पास देखें तो कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट भी आता है जो बिल्डर लॉन्च करते हैं, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट रहता है, फ्लोराइड डिस्काउंट रहता है, PLC डिस्काउंट रहता है, तो उस टाइप के नए प्रॉपर्टी प्लस अब देखें कभी हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है जो 30-40% डिस्काउंट पे होती है। कभी हमारे पास अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग हमारा रोज ये वीडियो देखते हैं, इनको अर्जेंट में सेल करना होता है, रीसेल की प्रॉपर्टी जो सेल करना होता है, इस टाइप के फायदे वाली प्रॉपर्टी का अगर आप घर बैठे इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसका फायदा ले सकें, खरीद सकें। नए नए प्रॉपर्टी के साथ लेके आता रहूँगा मैं नए नए वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।